छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अलग अलग तरीके के सम्मेलन हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और हर एक जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री विधायक तमाम लोग नजर आ रहे हैं। हम राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में मौजूद है। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह यहां पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहां पर आए हुए हैं। पूरे राजधानी रायपुर के सभी विधानसभा, चारों विधानसभा और अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के समाज, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का यहाँ पर भाषण चल रहा है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी, जिस दिन मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई, उसके बाद फिर जो तमाम नेताओं का, मुख्यमंत्रियों के नाम की जब घोषणा हो गई, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद, मंत्रियों के नाम के ऐलान के बाद में कार्यकर्ताओं से नेताओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आलाकमान ने सभी मंत्रियों को और नेताओं को हिदायत दी है कि कार्यकर्ताओं से दूरी को कम किया जाए, जिससे लोकसभा के आने वाले चुनाव में कोई नुकसान बीजेपी को ना उठाना पड़े और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना भी ना करना पड़े। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की दूरी, और इसी दूरी को दूर करने के लिए इस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इसको आज सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। मोहन जी का सबका पूरे प्रदेश के अंदर निचले स्तर तक जाकर सब लोगों ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता एकजुट होकर टीम भावना से काम किए और इतनी बड़ी विजयश्री हम लोगों को मिली। तो ऐसे सभी हमारे नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चुनौती भी हम लोगों के सामने में है। इतनी बड़ी जीत यहाँ की जनता ने दिलाई है, मोदी की गारंटी में विश्वास की है, तो आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से की है वो एक एक वादा पूरा करके रहेंगे। तो आपने सुना कि अपने संबोधन में किस तरीके से विष्णुदेव साय कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं, किसानों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो गारंटी में उनका जो वादा है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 21 क्विंटल जो धान की खरीदी है उसके साथ में 3100 रुपए में जो खरीदी है वो भी की जाएगी। इसके अलावा अन्य जो गारंटियां हैं उन मुद्दों पर भी, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो 12,000 रुपए सालाना देने की या अन्य मुद्दे हो, इन तमाम बातों को लेकर जो है वो उन्होंने आश्वस्त किया है और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि आपके कारण ही ये जीत जो है विधानसभा चुनाव की मिली है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब वैसे ही कमर कस के जुट जाना है। तो ये जो एक बार फिर से एक स्ट्रेटजी के साथ में बीजेपी यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है और खास तौर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के, मंत्रियों के बीच की दूरी, मंत्रियों, तमाम मंत्रियों को हिदायत और विधायकों को हिदायत भी मिली है आलाकमान से कि किसी भी कार्यकर्ता को नजरअंदाज न किया जाए और जो कार्यकर्ता नाराज है उनसे जल्द से जल्द मनाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। किसी भी तरीके से नेताओं और मंत्रियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरी है उस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी महज 1 महीने में जो दूरी यहां पर एक विषय बन चुकी थी उस दूरी को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, ये इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी साधने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।